नमस्कार आदाब हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम उर्मिलेश जी से बात करेंगे जो कावड़ियों के बढ़ता जो ट्रेंड है ख़ासतौर से हिंदी पट्टी में उसी के विषय में और किस तरीके से ये दरअसल धर्म के नाम पर एक एक किस्म के हुड़दंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तो उर्मिलेश हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत तो पहला सवाल तो यही कि पिछले कुछ सालों से हिंदी पट्टी में जो ये कावड़ियों का ट्रेंड जो कावड़ लेने जाने का जो एक बहुत एक बड़ा एक मैसिव इवेंट बना दिया गया है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है देखिए मैं समझता हूँ ये कि योजना के तहत ये हुआ है क्योंकि पहले भी हमारे देश में हमारे समाज में धर्म के प्रति या धार्मिक कर्मकांडों के प्रति लोगों की काफ़ी संलिप्तता उसमें रही है लोग जाते रहे हैं जल देने या पूजा करने लोग बड़ी बड़ी तीर्थयात्राओं पर निकल जाते थे एक एक महीने के लिए लेकिन ये आ, ट्रेंड नहीं था जो आज दिखाई दे रहा है दरअसल इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है और ये आ, एक ऐसा कर्मकांड है जिसमें शुद्ध रूप से राजनीतिक इसमें मकसद है तो ये धार्मिक कर्मकांड भी उस रूप का नहीं है जो पहले हम देखते थे जब हम लोग बहुत छोटे थे तब देखते थे अपने ज़माने में या जब बड़े हो रहे थे तब भी हम लोग देख देखते थे ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये नब्बे के दशक के बाद का ये ट्रेंड दिखाई देता है और मैं समझता हूँ कि जिन दिनों हमारे देश में मंडल आया था उसके ठीक सामने मंडल आयोग की जब रिपोर्ट आई थी तो उसके ठीक उसको काउंटर करने या उसके आसपास कमंडल आया और कमंडल का मतलब ये था कि अयोध्या में जो आ, मंदिर अभियान था आरएसएस का शिवसेना या तमाम इस तरह के संगठनों का वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था ये उसी दौर में आज उसी दौर के आसपास या उसके बाद से ये बहुत तेज़ हुआ है और इस वक्त जबकि भारत में केंद्र की और अनेक राज्यों में सत्ता आर के पास है आर संपोषित भारतीय जनता पार्टी के पास है तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल पार्टी और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं संघ परिवार के जिनकी संख्या बताना बहुत कठिन है आ, ये सारे के सारे ऐसा लगता है कि उसमें इन्वॉल्व हैं अब आप देखिए हमने आज़ाद भारत में कभी यह नहीं सुना पहले कि एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं हेलीकॉप्टर लेकर और काबड़ियों के मार्ग का की निगरानी कर रहा है और यही नहीं एक एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल का अधिकारी चौदह लाख रुपया हेलीकॉप्टर पर खर्च करके भारत सरकार अरे सॉरी राज्य सरकार का जो टैक्स पेयर्स का द, धन है चौदह लाख रुपए में हेलीकॉप्टर हायर करके और फूल बरसा रहा है आई मीन वो भी वर्दी में मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी संवैधानिक जो डेमोक्रेसी है उसका इतना भद्दा मजाक उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ करके चीज़ों को रखना ये मैं समझता हूँ इसका कोई दूसरा उदाहरण और नहीं मिलेगा जो अभी दिखाई दे रहा है एक तरफ कावड़ियाँ और कावड़ियों की इस तरह से सेवा शासन द्वारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो कावड़ियाँ कावड़ियों का जो गिरोह है वो किसी महिला को आ, सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक रोक देता है और गाड़ी को तहस नहस कर देता है तोड़ देता है पी पुलिस की जो एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है उत्तर प्रदेश में आ, जिसका रिकॉर्ड काफ़ी विवादास्पद भी रहा है दंगे फसाद में उसकी भूमिका भी उजागर हुई पी की गाड़ी को जला देते हैं या तोड़ फोड़ कर देते हैं उसमें मचा देते हैं पुलिस को पीटने लगते हैं कावड़िया भगवान की पूजा करते करते अचानक उनको क्रो, क्रोध क्रोध आ जाता है तो पुलिस पर वो क्रोध उतारने लगते हैं ये जो दृश्य हैं मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास में बिल्कुल नायाब है और ये सत्ता राज्य सत्ता और सरकार के सहयोग के बगैर असंभव है जी आपने आ, कावड़ियों को जो समर्थन दिया जा रहा है सत्ता और राज्य सत्ता के आ, की तरफ से उसकी बात करी लेकिन इसके ठीक सामने एक और चीज़ भी है कि किस तरीके से जिस रास्ते से कावड़िए जाएंगे सरकार उस पर कह रही है कि आप मास्क नहीं बेच सकते रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं उस चीज़ पे तो आप ना सिर्फ उनको समर्थन दे रहे हैं बल्कि आप दूसरी तरफ बहुत बहुत से लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं देखिए हमारे देश के संविधान में धार्मिक आज़ादी है लेकिन धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने की आज़ादी किसी को नहीं है धर्म के आधार पर दूसरों के कामकाज में बाधा पहुंचाने की आज़ादी किसी को नहीं है तो ये जो कुछ किया जा रहा है ये धर्म के खिलाफ है संविधान के खिलाफ है लोकतंत्र के खिलाफ है दरअसल मैं ये मानता हूँ कि जिस वक्त जिस जिस तरह से इस वक्त सरकारें काम कर रही हैं धर्म और सियासत के रिश्तों को जिस तरह गंदला कर रही हैं धर्म के राजनीतिक मंसूबे और राजनीति के धार्मिक मंसूबे जिस तरह से कन्वर्ज कर रहे हैं वो एक ख़तरनाक मंजर पेश करता है हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के समक्ष और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि संसद तो खामोश है इस मुद्दे पर विधानमंडल खामोश है लेकिन हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्यों खामोश है उसने सिर्फ टिप्पणी की है उसने हस्तक्षेप अभी तक नहीं किया है मैं समझता हूं कि ये बहुत ही चिंता की बात है आखिर इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा कौन अगर जो बचाने का जिनको जिम्मा दे रखा है हमारे देश की जनता ने जाहिर है वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं भारत लोकतंत्र का क्या मतलब होता है लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुनी गई चुने गए प्रतिनिधि जो सरकार चलाएंगे और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस तंत्र की पूरी की पूरी तंत्र का जो स्वामी है या तंत्र का संचालन जो है वो समाज करेगा ये है रिपब्लिक लेकिन हम दोनों को गायब होता देख रहे हैं अपने यहाँ तो ऐसी स्थिति में संविधान को संवैधानिक जनतंत्र को अगर बचाने की जिम्मेदारी कहीं बचती है तो मैं समझता हूँ कि वो सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है जिसे ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करना चाहिए वरना एक हाहाकार की स्थिति है लोग पीटे जा रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं लोगों के बिजनेस को चौपट किया जा रहा है अब पुलिस बाकायदे पुलिस बंद करा रही है मीट शॉप्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसकी रखवाली मत कीजिए उसकी निगरानी मत कीजिए लेकिन धार्मिक मामलों में इन्वॉल्व आप हो जाएंगे आप धर्म के बारे में बता देंगे कि धार्मिक जिस समय एक धर्म विशेष के लोगों का कोई उपक्रम चलेगा उस दिन समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ईद जिस दिन मनाई जाएगी उस दिन क्या होगा जिस दिन दशहरा मनाया जाएगा उस दिन क्या होगा और ये तो पंद्रह पंद्रह दिन की यात्रा है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वह वह दिन दूर, दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि साल में पाँच छः बार इस तरह की यात्राएं की जाएं तो देखिए जैसे बूथ कब्जा होता है जैसे मॉब लिंचिंग होती है जैसे लव जिहाद होता है जैसे जैसे और जो उपद्रव होते हैं मुझे तो लगता है कि ये ठीक उसी तरह से किया जा रहा है और कांवड़ियों में हैं कौन लोग आप अस्सी नब्बे फ़ीसदी जो कावड़िया पाएंगे उसमें हैरत की बात है कि उसमें गरीब तबके के लोग इन्वॉल्व हैं और अगर डेमोग्राफिक उनका या उनका उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो उसमें दलित ओ अति पिछड़े और जो गरीब तबका भी है अपर कास्ट का वही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है मैं समझता हूँ कि सत्ताधारी दल या सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके बाल बच्चे तो इसमें कम से कम नहीं हैं अफसरानों के नहीं हैं जो अफसर फूल बरसा रहे हैं उनके बच्चे इस कांवड़ लेकर जाने वालों में शामिल नहीं हैं वो तो कहीं फ़ाइव स्टार होटलों में बैठ के अच्छा खासा भोजन कर रहे हैं और अच्छा खासा अपना आराम कर रहे हैं या कहीं दूर दूर देश में जाकर सेटिल होकर के पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए एक तरह से एक जहरीला प्रबंधन है एक जहरीला प्रबंधन है कि तुम इस अफीम को पियो और मस्त हो जाओ ये धर्म को धर्म को एक तरह से धारण करने लायक वस्तु ये नहीं बना रहे हैं ताकि लोग उस धर्म को ग्रहण करके और अच्छा मनुष्य बने करें सो जाएं या उपद्रव करें दो ही काम करें या तो सुलाना चाहते हैं या तो उपद्रव कराना चाहते हैं दरअसल जितने लोग आपको नजर आते हैं इसमें साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ा एक तबका है जो बेरोजगार युवा है वो इन अभियानों पर भेज दिए जाते हैं खैर एक जो चीज है जो पिछले कुछ सालों से खैर आपने जैसे बताया कि ये कावड़ वाला जो है ये तो पूरा नब्बे के दशक से आप इस, आ, इसका इतना उपफान हुआ है लेकिन पिछले कुछ सालों से जो नज़र आ रहा है कि इनमें कुछ कावड़िए है जो हैं जो भारत का तिरंगा लेकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर जा रहे हैं तो ये जो धर्म और हमारे स्टेट का जो घालमेल किया जा रहा है और इतना ख़तरनाक स्थिति पैदा की जा रही है क्योंकि आप दरअसल ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप एक धर्म के लिए अगर कुछ काम करें वो दरअसल आप देश के लिए करें जो कि सरासर गलत है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे नहीं हमने तो ये भी देखा कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उसमें से एक व्यक्ति आ, का दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से निधन हो गया था उसकी जब डेड बॉडी आई तो उस पर मंत्री आए और तिरंगा उन्होंने डाला अब इसको आप कैसे देखेंगे इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो कठुआ इलाका है जम्मू संभाग का वहाँ पे एक कम उम्र की लड़की के साथ कई दिनों तक बलात्कार होता रहा और गैंग रेप होता रहा सारी रिपोर्ट अब कोर्ट के सामने है निगरानी में उसकी जांच हो रही है उस मामले में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर मैं कहूंगा कि उसके पदाधिकारियों की अगुवाई में जुलूस निकला बलात्कारियों के बचाव में और उस जुलूस में पूरी दुनिया ने देखा कि दो तरह के झंडे थे एक भगवा झंडा लहरा रहा था और साथ में तिरंगा झंडा था अब इसको आप क्या कहेंगे भारत के तिरंगे का इतना बड़ा अपमान जिस तिरंगे को लेकर के देश की आज़ादी की लड़ाई में न जाने लोगों ने शहादत दी है कितने लोगों ने कष्ट सहे हैं उस तिरंगे को आप बलात्कारियों के बचाव में जुलूस में इस्तेमाल कर रहे हैं आप काबड़ियों के हाथ में तिरंगा देकर क्या करना चाहते हैं भई वो धर्म यात्रा पर अगर जा रहे हैं आपके मुताबिक तो धर्म करने दीजिए कर्म करने दीजिए भगवान का भजन करने दीजिए लेकिन आप तो भजन नहीं करने दे रहे हैं हमने तो गांव में हमारा घर गंगा के किनारे है मैंने अपने गांव में देखा है कि लोग हम जब छोटे थे तो बुज़ुर्ग लोग गंगा नहाने जाते थे और सचमुच वो भजन गाते हुए जाते थे कुछ लोग कबीर को गाते थे जिनका स्वयं यकीन नहीं था किसी तरह के धार्मिक आडम्बर में लेकिन कबीर को गाते जाते थे कुछ लोग तुलसी को गाते थे कुछ लोग बाल्मीकि को गाते थे कुछ लोग दूसरे और भजन गाते थे कितनी शांति उसमें उन लोगों को मिलती थी कितना संतोष मिलता था आजकल डीजे बजता है उस पर भयानक म्यूजिक उभरता है उसमें से ऐसा लगता है कि क्रूरता और मूर्खता दोनों टपक रही है आजकल देखा हनुमान जी की तस्वीर एक कई कावड़ियों को देखा जो गाड़ी पे चले जा रहे हैं और एक हनुमान जी की पीछे तस्वीर बनाए हुए हैं और उस तस्वीर में शीशे पर वो उकेरी गई तस्वीर है उसमें हनुमान बिल्कुल कोप के एकदम प्रतीक लग रहे हैं ऐसा लगता है कि वो ध्वंस करने आ रहे हैं आई मीन आप अपने देवताओं का उनकी सृजनशीलता के बजाय उनकी विनाशक तस्वीर को अगर पेश कर रहे हैं तो और उनकी क्रूरता भरी तस्वीर पेश कर रहे हैं आप ये बता रहे हैं कि आप सचमुच मूर्खता और क्रूरता के एक प्रतीक हैं क्रूरता और मूर्खता दोनों कन्वर्ज कर गई है आपके इस धर्म में तो ये धर्म है अधर्म है क्या है ये तो जनता को तय करना है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है बहुत खतरनाक मंजर है जो लोग धार्मिक हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है कि उनके धर्म को कहाँ ले जा रही है ये 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 जो परंपरा है जो जिस जिसकी स्थापना कर रही है एक खास धारा एक खास सोच एक खास विचारधारा और आज की सत्ता अब फूल बरसाए जा रहे हैं आप आप खाकी वर्दी में फूल बरसा रहा है आदमी और स्टेट नहीं कुछ कह रहा है स्टेट कह रहा है कि फूल बरसाओ लेकिन सभी खामोश हैं तो मैं समझता हूं कि ये जो ट्रेंड है यह सचमुच नब्बे के बाद का है और जैसे जैसे लोगों को ये लगा खासकर संघ से जुड़े लोगों को कि सत्ता पर काबिज होना है तो धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल में अपने को आगे बढ़ाना होगा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अभी राजस्थान में मैंने देखा सरकार वहाँ बहुत अनपॉपुलर है वहाँ पर जितने गांव कस्बे और शहर हैं जिनका नाम संजोग बस मुस्लिम आ, कहीं से भी इस्लामिक उसमें टच है उसका नाम बदला जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी नाम बदला जा रहा है सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं रेलवे स्टेशंस का नाम बदला जा रहा है मुग़ल सराय मुग़ल सराय न जाने कितनी कितने सदी से ये एक स्टेशन है एक नगर है एक कस्बा है बस मैं पड़ोस का हूँ मुग़ल सराय के मेरा गांव बिल्कुल बगल में है कोई नहीं जानता कि मुग़ल सराय का नाम किसने किस किसने उसका नाम डाला लोगों ने अपने से मुगल सराय कहना शुरू किया या किसी मुग़ल बादशाह ने शुरू किया या किसी मुग़ल बादशाह के शुभचिंतक ने शुरू किया लेकिन मुग़ल सराय एक, एक ऐसा नाम है लो, लोगों की ज़ुबान पर है उसका नाम रख दिया गया है किसी बीजेपी के नेता के नाम पर लेकिन आप बाज़ार में घूम जाइए आप स्टेशन पर घूम जाइए सभी की जो वहाँ पर अब भी मुगल सराय है तो देखिए आप नाम बदल कर इतिहास नहीं बदल सकते इतिहास बदलने के लिए काम करना पड़ता है और आप जो काम कर रहे हैं वो क्रूरता का काम कर रहे हैं आप मूर्खता का काम कर रहे हैं आप समाज को ब्र्यूटिलाइज कर रहे हैं आप धर्म को ब्र्यूटेलाइज कर रहे हैं धर्म को क्रूर बना रहे हैं ये बहुत खतरनाक स्थिति है मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं मीडिया के लिए नहीं समाज के दूसरे तबकों के लिए नहीं ये जो धर्मात्मा है उनको भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपका धर्म इतना अधार्मिक है अगर आपका धर्म महिलाओं को गाड़ी चला चलाते हुए खींच देता है बाहर और उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देता है अगर लोगों को मारता पीटता है तो आप कल्पना कर सकते हैं आप मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं ताकि वो आपकी 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 आस्था को ना, आस्था को चोट न पहुंचे लेकिन आप शराब की दुकानें खोले हुए हैं शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं गांजा भांग की दुकानें बढ़ा रहे हैं कुछ तो लोग तो कहते हैं कि चोरी छुपे अफीम तक वहां पर बंट रही है ये क्या है तो एक बहुत गहरी चिंता का विषय है और इस पर मैं समझता हूं कि अगर विधानमंडल अगर संसद हमारी नहीं बोल रही है राजनीतिक कारणों से क्योंकि बहुमत जिन लोगों के पास है वो बोलने नहीं दे रहे हैं तो न्यायालयों को और सिविल सोसाइटी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए हमारे साथ कावड़ियों के इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद